क्या आप जानना चाहेंगे ऐसी कौन सी मिस्टेक्स है जिन्हें आपको आज से ही छोड़ देना चाहिए, वरना आपका शरीर आपकी उन छोटी छोटी गलतियों के लिए आगे जाकर बहुत ज्यादा परेशान होगा। तो चलिए जानते हैं 5 कॉमन मिस्टेक्स जिन्हें आपको आज से ही छोड़ देना चाहिए अगर आप इन्हें करते हैं तो। नंबर 1, ज्यादा एक्सरसाइज करना। अगर आप ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो इससे आपकी बॉडी और भी ज्यादा अच्छी बनेगी। अगर आप ऐसा मानते हैं तो ये पूरी तरीके से गलत है। हद से ज्यादा एक्सरसाइज करना और सोचना ऐसे में मेरी बॉडी बनेगी सबसे बड़ा मिथ है, बल्कि ऐसा करना आपके हेल्थ को और भी ज्यादा खराब कर सकता है। अगर आप हद से ज्यादा एक्सरसाइज करें, बॉडी को बहुत ज्यादा पुश करें, तो इससे आपका इम्यून सिस्टम खराब होगा, मसल आपके डैमेज होंगे और लॉस होंगे, शरीर में एबनॉर्मल तरीके से हार्मोनल चेंजेस आएंगे। वैसे आपको बता दूं, एक्सरसाइज किसी भी तरीके से गलत नहीं है, बल्कि आपके लाइफ का हिस्सा होना ही चाहिए, लेकिन गलत इन्फॉर्मेशन रख के इसे ओवरडू करने में प्रॉब्लम है। इस बात का भी ध्यान रखिए, जब आप सही तरीके से एक्सरसाइज करते हैं तो ऐसे में आपके शरीर को प्रॉपर न्यूट्रिशन और स्लीप भी चाहिए होता है, ताकि वो अगली बार अच्छे से परफॉर्म कर सके। आइए बात करते हैं दूसरी टिप की, जो कि है सुबह का ब्रेकफास्ट ना करना। अगर आप रात के 10 बजे सो जाते हैं और सुबह के 11 से 1 के बीच में अपना सीधा खाना खाते हैं, तो ऐसे में आपका शरीर काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है, क्योंकि सोने के समय से दूसरे दिन के खाने तक आप लगभग 12 घंटे से भी ज्यादा भूखे रह चुके होते हैं। तो ऐसे में जरूरी होता है कि आप सुबह उठकर नाश्ता जरूर किया करें। आयुर्वेद के अनुसार सुबह का नाश्ता भारी होना चाहिए, बल्कि रात का खाना हल्का होना चाहिए। सुबह के नाश्ते से आपको पूरे दिन काम करने की एनर्जी मिलती है और आप तरोताजा महसूस करते हैं। सुबह के नाश्ते में आप ध्यान रखिए कि कम मसाले वाला पौष्टिक डाइट आपको लेना चाहिए। साथ ही साथ आप चाहें तो इस समय दूध भी पी सकते हैं। अगली मिस्टेक है देर रात तक मोबाइल का इस्तेमाल। अगर आप रात को भी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं छोड़ते, तो एक चीज जो आपको अपने माता पिता और रिश्तेदारों से सुनने मिलेगी कि पूरा दिन कम तक है जो अभी भी लगा हुआ है। वैसे फोन चलाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सोने के समय फोन का इस्तेमाल आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम दे सकता है। फोन की स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट हमारे आंखों के लिए सही नहीं है, खासकर रात के समय। हो सकता है कि जब आप रात के समय भी फोन का इस्तेमाल करते हो तो इससे आपकी नींद भाग जाती हो। ऐसा फोन से निकलने वाली ब्लू लाइट के कारण होता है। जब आप फोन का इस्तेमाल रात को भी करने लगते हैं तो इसका सीधा असर आपकी नींद पर पड़ता है। आपकी नींद पूरी नहीं होती, जिसके चलते अगले दिन आपके शरीर में थकान बने रहेगी, किसी भी काम में आपका मन नहीं लगेगा और आपको लगेगा कि आपके शरीर में आलस भर गया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज आपकी नींद ना पूरी होने के कारण हो रही होगी। अगला है सही से प्रोटीन ना लेना। क्या आप शरीर की स्ट्रेंथ और एनर्जी को बढ़ाना चाहते हैं, तो जरूरी है कि आप अपने डाइट में प्रोटीन की कमी को पूरा कीजिए। डाइट में प्रोटीन सही मात्रा में होने से आपके शरीर को कई फायदे होते हैं। प्रोटीन से ही हमारे बाल बने हैं, बालों में चमक बढ़ती है, आपके मसल्स बिल्ड होते हैं और भी बहुत कुछ। एक जिम में जाने वाले इंसान को भी एक दिन में 1 ग्राम पर kg वेट के हिसाब से प्रोटीन चाहिए होता है। मतलब अगर आपका वजन 80 किलो है तो आपको 80 ग्राम प्रोटीन चाहिए दिन भर में। ऐसे में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए आपको हाई प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं हाई प्रोटीन फूड कौन कौन से हैं, तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। नंबर 5, ज्यादा पेन रिलीवर्स का इस्तेमाल करना। मार्केट में कई ऐसी दवाइयां हैं जो पेन से छुटकारा दिला सकती है, और अगर आप ऐसे इंसान हैं जिनके शरीर में हमेशा दर्द बना रहता है और आप पेन किलर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो बताना चाहूंगा जो पेन किलर आपको छोटे छोटे दर्द से बचा रहा है, हो सकता है वो आगे जाकर आपको बड़ा दर्द देने की तैयारी में हो, क्योंकि हमेशा ज्यादा का मतलब बेहतर नहीं होता, खासकर पेन किलर के मामले में। अगर आप हद से ज्यादा पेन किलर का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको बहुत सारे रिस्क में डाल देती है। सबसे बड़ा कि ये आपके लीवर को पूरी तरीके से खराब कर सकती है, और लीवर खराब होने से इतने प्रॉब्लम्स है जो मैं आप बता नहीं सकता। आशा करता हूँ आयुर्वेद टीवी का आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। इस टाइप की वीडियो चैनल पर और पाते रहने के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे दूसरे वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।